आजो आगे आजो करने भारत माता की जय। भारत माता की जय। डॉक्टर भारत भूषण जी जिंदाबाद। आंटी के कोल स्टार्ट हो भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता मेन लीडर्स हैं हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब और स्टेट के हमारे प्रेसिडेंट रैना साहब, सरदार नरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर मनयाल जी और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं और हमारे जो कठुआ के डिस्ट्रिक्ट के सीनियर लीडर्स हैं सारे हमारे, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन सभी ने मेरे पे विश्वास जताया और मुझे कहा कि आप कठुआ से लड़ें और मैं आपके माध्यम से उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा। और मैं आपके माध्यम से कठुआ की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ 24/7 मैं उनकी सेवा करूँगा और जितना भी मेरे से हो पाएगा, मेरी जो रिसोर्सेज होंगे मैं सारा जुडिशियसली इस्तेमाल करूँगा और सभी लोग मेरे सारे जे इस इलेक्शन में मुझे सपोर्ट करें। मैं नॉट एज ए पॉलिटिशियन, मैं एज ए उनका कठुआ का बेटा होने के नाते उनसे वोट मांगूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे सारे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो मुझे आशीर्वाद देंगे और सारे नौजवान मेरा पूरा साथ देंगे ताकि मैं अपना जो कठुआ को डेवलप करने का मिशन है उसमें हम कामयाब हो पाएँ। सर, बाकी अधिकारियों की भी कब होगी, मतलब क्योंकि अभी अनाउंस हुआ है तो मुझे लगता है 1-2 दिन में हो जाएगी, जैसे पार्टी का आदेश होगा तो वैसे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो सर क्या देखते हैं आप ब्यूरोक्रेसी से अभी राजनीति में पहुंचे तो किस तरह से रहेगा लोग? इसमें ऐसा है कि मेरा तकरीबन को 26 साल का जो सर्विस करियर रहा है जिसमें मैं तकरीबन को 13-14 डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया है और मुझे एक काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाए, किस तरीके से उनको सुलझाना चाहिए और किस तरीके से फंडिंग उनकी होनी चाहिए और लानी चाहिए। क्योंकि मिनिस्ट्री में भी मेरा जब से मैं HOD बना हूँ 5-6 साल से, सेंट्रल मिनिस्ट्री से भी मेरा काफ़ी मिनिस्ट्रियों से हमारा वाबस्ता रहा डायरेक्ट और मुझे पूरा पता है कि कैसे वो फंडिंग लानी है, क्या करना है। तो उसमें मुझे लगता है कि मैं काफ़ी उसमें अपने आप को सक्षम महसूस करता हूँ कि मैं काफ़ी वो रिसोर्स जुटा पाने में काम चाहे कि एज ए ब्यूरोक्रेट हमारा एक मैं एज ए ब्यूरोक्रेट एज ए ऑफिसर नहीं कभी काम किया, एज ए सोशल वर्कर काम किया, आप सभी को पता है। तो उसमें एक लिमिटेड धारा होता है, जैसे मैं टूरिज्म में था तो टूरिज्म के रिलेटेड ही काम कर पाता हूँ, जहाँ सोशल वेलफेयर में उसी में, लेकिन जब ये पॉलिटिक्स में आ जाओ तो आपका एक दायरा विजन भी काफ़ी बढ़ गया होता है और एक आप अक्रॉस दी सेक्टर्स आप उसमें काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें काफ़ी मौका मिलेगा लोगों की खिदमत करने का। अभी देखो आपको पता ही है कि टाइम बड़ा कम रहा है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो मेन हमारे एरियाज हमें कवर कर पाएँ और आपके माध्यम से आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनेगी। जो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा जो पैगाम है लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि हमारा सारा कठुआ छोटा सा है जो सारा परिवार ही है और मैं अपने परिवार से ही मांगूंगा कि मुझे सपोर्ट करें सारे और ताकि मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतर पाऊँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 6 की 6 सीटें जो हैं BJP हमारे कठुआ में जीतेगी और हमारी स्टेट में सरकार बनेगी और लोगों के अच्छे काम होंगे।